नमस्कार साथियों, आज हम इस वीडियो में केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है यहाँ पे करेंगे। और ये रेलवे के एग्जाम के लिए या हरियाणा के जो भी एग्जाम होने वाले हैं आपके, या एसएससी का जो सीएचएसएल का एग्जाम है या सीजीएल का एग्जाम है, सभी के लिए जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है ये। तो ये वीडियो इस वीडियो में हम 100 क्वेश्चन करेंगे, इम्पोर्टेंट कोई पॉइंट होंगे सारे के सारे। ठीक है, तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। श्री कृष्णा अकेडमी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें आप वीडियोस के लिए। हम इम्पोर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन डाटा लाते हैं, और टेलीग्राम पे हमारा ग्रुप है, वहां पे ज्वाइन करके आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं आराम से। देखिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पॉइंट निकालने हैं सारे के सारे मैंने क्वेश्चन में आए हुए। जो एंथ्रेसाइट कोयले में सर्वाधिक कार्बन की मात्रा पाई जाती है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा सर्वाधिक मात्रा जो है कार्बनिक किसमें पाई जाती है, तो ऑप्शन आपका मिलेगा एंथ्रेसाइट। आंसर क्या होगा आपका? एंथ्रेसाइट। दूसरा क्वेश्चन यहां मिलेगा, सबसे ज्यादा जो है कोयला विषाव में पाया जाता है, कौन सा पाया जाता है? बिटुमिन, बिटुमिनस। ठीक है, यह आपने ध्यान रखना है। एंथ्रेसाइट जो है सबसे अधिक मात्रा में कार्बन होता है उसके अंदर, कोयला है वैसे ये भी, और जो बिटुमिन होता है वो कोयला सबसे ज्यादा पाया जाता है विषाव में। उसका जो पीट कोयला है वो सबसे निम्न कोटि का। 3 क्वेश्चन है यहाँ पे, एक एंथ्रेसाइट का क्वेश्चन आ सकता है, एक बिटुमिन का आ सकता है, एक पीट कोयले का आ सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट, मोनोजाइट थोरियम का आयशक है, मोनोजाइट थोरियम के साथ निकलता है। भारत में थोरियम सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, और जो समुद्र के इलाका है जैसे तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक जो है वहां पे रेत के अंदर ये अवेलेबल है, और सबसे महंगा है ये, सबसे ज्यादा यूरेनियम से भी महंगा है। थोरियम पर आधारित फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कलपक्कम में स्थापित किया गया है। ठीक है, ये भी एक तरह से यूरेनियम की तरह ही है। उसके बाद पारा पारदीप सम्मिश्रित में अनिवार्य रूप से सम्मिलित होता है। पारा जो है ना, पारा मर्करी जिसको बोलते हैं हम, थर्मामीटर आपने देखा होगा उसके अंदर होता है, जल का पैन उसके अंदर भी होता है, जल जैसा लगा होता है वो पारा होता है। उसके बाद कॉर्नेलाइट मैग्नीशियम का खनिज है, मैग्नीशियम से निकलता है ये कॉर्नेलाइट। उसके बाद गन मेटल, तांबा, टीन और जिंक, ये सारे के सारे क्या मिश्र धातु है, मिश्र धातु इसको बोलते हैं जिसमें एक से ज्यादा प्रकार की धातु होती है। अगला है हेमेटाइट लोहा अयस्क। हेमेटाइट क्या है? कि लोहे अयस्क है। हेमेटाइट अगर पूछ लिया जाए आपसे वो क्या है? कि लोहे अयस्क। चूना और कोयले का प्रयोग लोहे अयस्क को प्रगलित करने में होता है, चूने का और कोयले का प्रयोग जो होता है लोहे अयस्क को प्रगलित करने में, गलाने में, यानी कि एक तरह से चींटियां काटती हैं तो फॉर्मिक एसिड होता है उसके डंक में। आ सकता है ऑप्शन आपके क्वेश्चन में कि चींटी के डंक में कौन सा एसिड होता है, तो फॉर्मिक एसिड होता है चींटी के डंक में। ठीक है, काटेगी तो फॉर्मिक एसिड छोड़ के जाएगी आपकी बॉडी पे। उसके बाद मिथाइल एल्कोहल पीने से अंधता हो सकती है, अंधा मतलब अंधा हो सकता है आदमी। फोटोग्राफी में स्थायीकर के रूप में सोडियम थायोसल्फेट प्रयोग होता है। फोटोग्राफी में आपको पूछ सकता है किसका प्रयोग किया जाता है, तो सोडियम थायोसल्फेट का। पानी आयनिक लवण का सुविलायक है क्योंकि उसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक है, पानी जो है आसानी से घुल जाता है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो है कॉम्बिनेशन इसका अच्छा है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग केमिस्ट्री में अगर आपको नॉलेज हो तो भी समझ पाओगे आप इसको। सिरका एसिटिक अम्ल का जलीय विलयन है, यानी कि सिरका बना होता है किससे? एसिटिक अम्ल से बना होता है। कैसे बनाया जाता है? एसिटिक अम्ल को जल में घोलकर। अगला क्वेश्चन है, सोडियम क्लोराइड लवणों का सागरीय जल की लवणता में अधिकतम योगदान होता है। सोडियम क्लोराइड NaCl होता है, NaCl ज्यादा मिलेगा आपको कहाँ? समुद्र के पानी में। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि लैक्टिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल का पता होगा आपको, दूध में पाया जाता है, ये बहुत बार क्वेश्चन आया है। अच्छा, सिट्रिक अम्ल ये नींबू में होता है, साइंटिक नहीं है, सिट्रिक है ये। उसके बाद ब्यूटायरिक अम्ल खराब मक्खन में होता है, खराब मक्खन मतलब घी, खराब हुआ। उसके बाद नेक्स्ट है, जल में अमोनिया जो है आसानी से घुल जाता है, NH3 फॉर्मूला होता है अमोनिया का, NH3। अगला है भारी जल यानी कि हार्ड वाटर, एक प्रकार का मंदक है जिसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे आयन्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, अगला है, कठोर जल साबुन से कपड़े धोने और बॉयलर्स के में प्रयोग के लिए उपयुक्त नहीं होता। कठोर जल अभी आया था, भारी जल या कठोर जल की बात होती है, इसमें कपड़े आसानी से नहीं धोएंगे, इसमें जो है साबुन काम नहीं करता।
रिएक्शन नहीं कर पाता वो मैल के साथ उसको बाहर निकालने के लिए। अगला क्वेश्चन है आपका, फोटोग्राफी रंगीन फोटो फिल्म को साफ करने में ऑक्जेली कमल का, ये क्वेश्चन आएगा आपके पास भाई। फोटोग्राफी रंगीन फोटो फिल्म को साफ करने के लिए, जैसे पहले आकर दी वो फिल्म होती थी, इसको साफ करने के लिए जो है ऑक्जेलिक एसिड का इस्तेमाल होता था। उसके बाद पानी का भारीपन सोडियम और मैग्नीशियम के सिलिकेटों के कारण होता है, यानी कि सोडियम और मैग्नीशियम के आयन होते हैं एक तरह से, आप समझिए उसके अंदर, इसलिए वो हार्ड वाटर होता है। उसके बाद लहसुन और प्याज में आने वाली तीक्ष्ण गंध, आपको पता है बहुत जो स्मेल आती है दूर से ही लहसुन से और प्याज से, किसके कारण आती है? उसमें होता है पोटासियम, क्या होता है? पोटासियम। पनीर एक जेल का उदाहरण है, पनीर किसका उदाहरण है? जेल का, सॉलिड भी नहीं है लिक्विड भी नहीं है ये। फलों के रस में क्या होता है? मैलिक मैलिक एसिड होता है। अम्लीय स्रावण जठर की विशेषता है, जठर मतलब अपना पेट, अमाशय होता है, अम्लीय वहां से निकलेगा, उसकी विशिष्टता है वो। ऑक्जैलिक अम्ल का प्रयोग दाग निकालने में, यानी कि जो कपड़ों पे दाग लग जाते हैं उसको निकालने के लिए ऑक्जैलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं हम। रासायनिक तत्वों के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध अभिविन्यास से है, ये भी केमिस्ट्री से क्वेश्चन है, आप ध्यान से देख लेना, चुंबकीय क्वांटम मैग्नेटिक क्वांटम से है। उसके बाद नेक्स्ट जो है, जर्मन सिल्वर में निकिल क्रोमियम और तांबे का मिश्रण होता है, जर्मन सिल्वर में निकिल का क्रोमियम और तांबे का मिश्रण होता है। अगला क्वेश्चन है, वाहनों से निकलने वाले धुएं में शीशा होता है लेड, पीबी इसका फॉर्मूला होता है, एक प्रमुख हानिकारक यानी कि नुकसानदायक है, जिसे मानसिक रोग होता है, इसलिए पोल्यूशन सबसे खतरनाक है गाड़ियों का, क्योंकि तो इसमें से निकलता है लेड, और लेड क्या करेगा? नुकसान करेगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन और हाइपो में सोडियम होता है, ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन और सोडियम होता है, लोहे के साथ क्रोमियम मिलाने पर क्रोमियम होता है सीआर, उसमें उच्च ताप का प्रतिरोध करने की क्षमता और उच्च कठोरता अपघर्षण प्रतियोगिता आ जाती है। पूछ सकता है आपसे लोहे के अंदर क्या मिलाया जाए जिसके अंदर उसकी प्रतिरोध क्षमता ज्यादा हो जाए, आर बढ़ जाए उसका, तो क्रोमियम मिलाएंगे उसके अंदर। उसके बाद पेट्रोल इंजन में अपस्फोटन या नोदन को कम करने के लिए पेट्रोल में टेंट एथिल लेड, एक तरह से आप समझो कि ये इंजन के बारे में क्वेश्चन है और ये टेक्निकल क्वेश्चन है, अगर आपके समझ में आए तो ठीक है। देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैंने रेलवे के लिए डाले हैं, जो रेलवे में आते हैं, तो वो अगर आपके समझ में ना आए छोड़ देना, जो आपको समझ में आ रहा है वो करते रहना, क्योंकि मैंने मिक्स लिया है ये साइंस का जो पोर्शन उठाया है अभी, आरआरबी के लिए भी, तो आरआरबी में कुछ टेक्निकल क्वेश्चन आते हैं, एसएससी में वो नहीं आते, उनको आप छोड़ देना। उसके बाद नेक्स्ट है, प्राकृतिक रबड़ आइसोप्रोपीन का बहुलक है, ठीक है। प्राकृतिक रबड़ में क्या? सल्फर मिलाया जाता है उसको कठोर करने के लिए। प्राकृतिक रबड़ लेटेक्स दूध के रूप में पेड़ों से निकाली जाती है, कहाँ से निकलती है? पेड़ों से। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए निकिल और क्रोमियम को प्रयोग, अब जो स्टील बनाने के लिए जाता है ना स्टेनलेस स्टील को, उसमें निकिल और क्रोमियम मिक्स होता है, याद रखना आप, ठीक है, याद रखना आप, ये निकल Ni होता है और क्रोमियम, ये सॉरी ऐसे नहीं होगा, मैं इसको दोबारा बताता हूँ आपको एक बार, इसकी एक ट्रिक है, अगर कोशिश हुई तो, Ni C, वैसे तो देखो बनता नहीं कुछ यहाँ पे, तो निकल Ni से नाइक्रोम, सॉरी निकल, और सी से क्रोमियम, ठीक है। और कुछ भी बना लो, मतलब ऐसा ट्रिक हो जाए कि याद रह जाए आपको, किसको बनाएगी ये? स्टेनलेस स्टील को बनाएगी, ठीक है। कच्चा लोहा मृदु इस्पात ढलवा लोहा में कार्बन तत्व अवरोही क्रम में अवस्थित होते हैं, आरोही बढ़ता क्रम अवरोही घटता क्रम, तो यानी कि सबसे ज्यादा होता है कच्चा, इसमें लोहे में सबसे ज्यादा कार्बन होता है, फिर मृदु इस्पात में, फिर ढलवा लोहा में, ठीक है। उसके बाद कांसा तांबा एवं टीन, तो कांसा जो है वो मिक्स है किसका? तांबे का और टीन का। अमोनिया एक रासायनिक यौगिक है, ये क्वेश्चन आए हुए थे वो उठाए मैंने सारे, टेफलोन हो गया, डेकरोन हो गया, डेकचून कह दे रहे जिसने हम अपनी देसी भाषा में, प्लास्टिक के बहुलक है, प्लास्टिक से ही बनते हैं वैसे तो ये। उसके बाद है नियोप्रोपिन, नियोप्रीन सॉरी, क्या है? एक रबड़ है, संश्लेषित रबड़ है, सिंथेटिक रबड़। अगला पोलीथीन, पोलिएथिलीन का बहुलक है, यानी कि पोलिएथिलीन से बनता है पोलीथीन, ठीक है। उसके बाद है कोयला तथा हाइड्रोकार्बन को दहन करने पर उत्पन्न प्रदूषण कार्बन मोनोऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड के मिश्रण होता है, यानी कि कोयला तथा हाइड्रोकार्बन को जलाने से क्या होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जो है निकलेगी।
कैल्शियम सल्फेट उर्वरक नहीं, कैल्शियम सल्फेट उर्वरक नहीं है, यानी कि ऑप्शन में आया होगा कैल्शियम तो वो नहीं है, इसके बारे में बताया गया है। इसके साथ साथ ये क्वेश्चन दोबारा आ चुका है, मैंने पहले बताया था प्राकृतिक रबड़ को मजबूत करने के लिए क्या करते हैं, उसमें सल्फर मिला देते हैं। लोहा पारे के साथ मिलकर अमलगम मिश्र धातु नहीं बनाता है, इसलिए पारे को लोहे के पात्र में रखा जाता है, यानी कि लोहे को पारे के उसमें रखा, एल्यूमिनियम के लिए खतरनाक होता है, ध्यान रखना पारा, इसलिए थर्मामीटर बैन होता है हवाई जहाज के अंदर, क्योंकि हवाई जहाज बना होता है एल्यूमिनियम से। एल्यूमिनियम जो है हल्की धातु है लेकिन सॉलिड है, जितनी भी धातुएं हैं पारे के साथ अमलगम मिश्र धातु बनाती हैं, लोहे को छोड़कर सिर्फ सारी धातुएं जो है रिएक्शन कर जाती है, अमलगम बनाती है। अमलगम किसको बोलते हैं, जिसमें पारा होता है मिक्स। हैलोजन गैसों में सबसे अभिक्रियाशील गैस फ्लोरीन है, ऑक्सीजन एक अनुचुंबकीय तत्व है, हाइड्रोजन का ईंधन मान सर्वाधिक, सबसे ज्यादा एनर्जी जो है हाइड्रोजन से मिलती है जलाने पर, हाइड्रोजन की फ्लू है वो, सॉरी फ्यूल है, फ्यूल नॉट के फ्लू, गलती से निकल गया था। स्ट्रीट लाइट के वॉल्व में सोडियम का उपयोग होता है, वॉल्व वॉल्व। उसके बाद हीमोग्लोबिन में आयरन, क्लोरीन क्लोरोफिल में मैग्नीशियम, पीतल में तांबा और विटामिन B12 में कोबाल्ट उपस्थित होते हैं, ये ध्यान रखना आप। हीमोग्लोबिन में आयरन, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम, पीतल में तांबा और विटामिन B12 में कोबाल्ट। प्लेटिनम सबसे कठोर धातु है, प्लेटिनम सबसे कठोर धातु है, और अगर सबसे प्राकृतिक सबसे कठोर तत्वों की बात की जाए तो हीरा है, ठीक है, जो किसी से नहीं बना, खुद से बना, कार्बन का प्रूफ है, पेंसिल में लिखने में प्रयोग होना लेड होता है, लेड ग्रेफाइट का बना होता है ये। फ्यूज में प्रयोग होने वाला तार जो है उसका उच्च प्रतिरोध शक्ति होती है, गलनांक जो उसका 50 उच्च, सॉरी निम्न गलनांक होता है उसका, जल्दी गल जाएगा वो। जस्ता एक विद्युत अचुंबकीय पदार्थ है, हीलियम गैस ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया नहीं करती है, अग्निशमन यंत्र में आग बुझाने वाला यंत्र होता है ना जो, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है यानी कि CO2। लोहे पर कलाई चढ़ाने के लिए जस्ते का उपयोग किया जाता है, लोहे पर कलाई चढ़ाने के लिए लेप से चला जाता है उसके ऊपर, और इसको बोलते हैं गैल्वनाइजेशन। जैसे आपने देखे होंगे रिम होते हैं गाड़ियों के, साइकिल के हैंडल होते हैं, चमकदार होते हैं, उनके ऊपर क्या होता है एक दूसरे धातु की परत चढ़ाई जाती है, किससे, उसको कोरोजन होने से बचाने के लिए, जंग लगने से बचाने के लिए। आयनिक यौगिक अल्कोहल में एविले होते हैं, एल्यूमिनियम चुंबक के द्वारा आकर्षित नहीं होता। पृथ्वी पर लगभग 100 प्रकार के रासायनिक तत्व पाए जाते हैं, लगभग 100 प्रकार के, बाकी जो है वो बनाए गए हैं लैब में। सर्वाधिक स्थायी तत्व जो है ना ऑक्सीजन है, सोडियम तत्व जल से हल्का होता है, यानी कि सोडियम जो है Na जो सोडियम जो है वो जल से हल्का होता है, ठीक है। उसके बाद नाइक्रोम एक ऐसा पदार्थ है जो बहुत कठोर है, बहुत तन्य है, तन्य मतलब इसकी तार बनाई जा सकती है बहुत लंबी लंबी, एक दो दो जो है प्रॉपर्टी होती है, एक तरह से गुण होते हैं धातु और अधातु, जो धातु है सॉरी तन्यता और आघातवर्धता, जो दो गुण होते हैं, तन्यता से तार बन सकती है और आघातवर्धता से चादरें बना सकते हैं लोहे की धातुओं की। उसके बाद एसीटिलीन का प्रयोग वेल्डिंग उद्योग यानी कि वेल्डिंग करने वाले होते हैं ना जो, और प्लास्टिक बनाने में, इनमें किया जाता है, और इसका प्रयोग फलों को सुरक्षित रखने में किया जाता है, ध्यान रखना एसिटिलीन का। एथिलीन का प्रयोग कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए, जैसे कच्चे फल रख लिए और पकाया जाता है उनको, फिर एथिलीन से, याद रखना ये एथिलीन होता है यूज, जैसे आजकल आजकल फल आते हैं ना ज्यादा, उनको पकाया जाता है एथिलीन से। उसके बाद है टॉर्च लाइट विद अक्षुरक सेवर आदि साधनों में प्रयुक्त जो बैटरी होती है उसमें सीसा परोक्साइड और सीसा इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयुक्त होता है, ठीक है ना। सीसा जो प्रयोग होता है परोक्साइड और इलेक्ट्रोड के रूप में, यानी ये सीसा होता है Pb। कार्बन डाइऑक्साइड को जो है शुष्क बर्फ ड्राई आइस भी बोलते हैं हम। कैंसर के उपचार में Cobalt-60 का प्रयोग किया जाता है, कैंसर को ठीक करने के लिए Cobalt-60 का। रक्त रोगों के उपचार को जीन थेरेपी बोलते हैं हम, रक्त रोगों के उपचार को, ठीक है। क्रायोजेनिक्स अति निम्न ताप, इसे परम ताप भी कहा जाता है क्रायोजेनिक्स को। उसके बाद RDX एक विस्फोटक है, RDX से भी नहीं सुना होगा, बम में यूज होता है। खाद्य पदार्थ के परीक्षण हेतु बेंजोइक अम्ल, खाद्य पदार्थ को बचाने के लिए बेंजोइक अम्ल का प्रयोग होता है। फ्लोरेसेंट ट्यूब प्रतिदीप्ति बल्ब में नियोन गैस भरी जाती है उसके अंदर, ट्यूब के अंदर। सामान्य ट्यूब लाइटों में नियोन के साथ सोडियम वाष्प होती है। उसके बाद LPG में मुख्य जो है ब्यूटेन होता है, LPG में LPG होता है जो घरों में सिलेंडर में यूज की जाती है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। और CNG होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस।
उसके बाद नाइन क्लोरोफॉर्म विस्फोटक नहीं है, उसके बाद आर्सेनिक 74 ट्यूमर, कोबाल्ट 60 कैंसर, ये अलग अलग बीमारियों में काम आते हैं। आर्सेनिक 74 ट्यूमर को ठीक करने के लिए, कोबाल्ट 60 कैंसर के लिए, और आयोडीन 131 थायराइड ग्रंथि की सक्रियता को बढ़ाने के लिए, और सोडियम 24 खून के अंदर रक्त व्यतिकरण, इन बीमारियों में काम आते हैं ये चीजें, ठीक है। बोरोन कार्बाइड व्यापक रूप से हीरे के पश्चात सबसे कठोर पदार्थ है, सबसे पहले मैंने बोला था हीरा है, उसके बाद कौन है, बोरोन कार्बाइड, उसके बाद एसिटिक एसिड सिरका बनाने के लिए सीरा अति उत्तम कच्चा माल है, उसके बाद फ्लिंट कांच का उपयोग कैमरा एवं दूरबीन के लेंस में विद्युत बल्ब, पायरेक्स कांच और प्रयोगशाला में के उपकरण बनाने में किया जाता है, इसका किसका, फ्लिंट कांच का, याद रखना आप ये। क्रूक्स कांच इसका धूप चश्मे बनाने के लिए होता है, पोटास कांच बनाने के लिए होता है इसका, पोटास कांच का जो है, देखो तीन तरह के आगे, फ्लिंट कांच, क्रूक्स कांच और पोटास कांच। तो पोटास जो ग्लास होता है उसका ट्यूबलाइट बनाने में, बोतल बनाने में और दैनिक प्रयोग के बर्तन बनाने में। ब्लीचिंग चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग जो है जल को विसंक्रमित यानी कि शुद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाता है। उसके बाद अम्ल और अक्षार के परीक्षण के लिए लिटमस पेपर का उपयोग करेंगे हम। लिटमस पेपर पे क्या होगा मैं आपको बता दूं, लिटमस पेपर अगर मान लो एसिड है मतलब अम्ल है, तो क्या करेगा एसिड करेगा, अगर ब्लू है ना तो ब्लू को कर देगा रेड, क्या कर देगा रेड, लिटमस पेपर रंग बदल जाएगा, एसिड क्या कर देगा ब्लू से रेड कर देगा, याद रखने के लिए एसिड में भी लास्ट में डी है और रेड में भी लास्ट में डी है, तो क्या कर देगा वो रेड। और अगर आप बेस डालोगे उसके अंदर अक्षार डालोगे, कड़वी चीजें होती हैं बेस और एसिड होती है खट्टी चीजें, तो जो अक्षार है वो क्या कर देगा रेड से वापस ब्लू ले आएगा, बी से ब्लू बनता है, बी से बेस बनता है, तो याद रह जाएगा आपको, ठीक है। उसके बाद एप्सम लवण का प्रयोग सारक शोधक के रूप में होता है, ये भी क्या है लवण है। नीला थोथा को कॉपर सल्फेट कहते हैं, कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला पता है आपको, CuSO4 कॉपर सल्फेट। उसके बाद एप्सम सोल्ट को मैग्नीशियम सल्फेट भी कहते हैं, MgSO4। बेकिंग सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट बोल देते हैं, यानी कि NaHCO3। कास्टिक सोडा को सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH। उसके बाद चूना पत्थर का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट है, यानी कि CaCO3। उसके बाद ऑक्सीजन तथा भारी हाइड्रोजन के यौगिक को गुरुजल कहते हैं। हाइपो जो फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है, रासायनिक नाम है इसका सोडियम थायोसल्फेट, हाइपो को सोडियम थायोसल्फेट बोलते हैं। उसके बाद मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, जो एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है, याद रखना आप ये, जब एसिडिटी हो जाती है तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज करते हैं हम, और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि कुछ ऐसा बनेगा MgOH2। चेचक की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी, पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। पेनिसिलिन ध्यान रखना ये हार्मोन भी होता है, एक इंसुलिन होता है, इंसुलिन वो उसका होता है क्या बोलते हैं शुगर को कंट्रोल करने के लिए, ये पेनिसिलिन अलग है। एक्सरे की खोज WK रोंटजन ने की थी, रे रो, याद रखना रे की खोज की थी रोंटजन ने, WK रोंटजन ने। मणिक्य तथा कोरंडम एल्यूमिनियम के आयशक होते हैं, मणिक्य तथा कोरंडम एल्यूमिनियम के आयशक मतलब एल्यूमिनियम से ही निकलते हैं ये। बालू सिलिकॉन का आयशक है, बालू मतलब रेत का फॉर्मूला सिलिकॉन बोल सुना होगा आपने पहले कभी। संगमरमर कैल्शियम से प्राप्त होता है। टाइटेनियम डाइऑक्साइड का प्रयोग स्पेद पेंट बनाने में किया जाता है, टाइटेनियम डाइऑक्साइड। सोडियम सिलिकेट का प्रयोग सीसा बनाने में किया जाता है। उसके बाद पोटासियम सल्फेट का प्रयोग कृत्रिम उर्वरक बनाने में, जैसे कि ये उर्वरक होते हैं ना कृत्रिम, जैसे खेतों में डालते हैं जो पेस्टिसाइड बोल सकते हो आप इसको, तो जैसे यूरिया DAP है तो उनमें पोटासियम सल्फेट यूज होता है। तो ये 100 क्वेश्चन थे आपके मोस्ट इंपोर्टेंट, टेलीग्राम चैनल पे इसकी PDF मिल जाएगी आपको। टेलीग्राम जो चैनल है हमारा, मैं आपको बताता हूँ क्या लिंक है हमारे टेलीग्राम चैनल का, आप सर्च करोगे वहां पे SK Academy टीम, ये हमारा टेलीग्राम पे चैनल है, आप यहाँ पे ज्वाइन हो जाना, आप PDF डाउनलोड कर सकते हो आप।
तो बाकी जो है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके लिए। जय हिंद, जय भारत।